हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड का सिलेबस मैं शुरू कर दिया हूँ। उस सिलेबस में पहला यह है क्वेश्चन टैग, जिसको आप टेल टैग के भी नाम से जानते हैं, और इसी का नेक्स्ट नाम जो दिया गया है यहाँ वह अपेंडिड टैग है, और चौथा जो नाम है वो डिजक्टिव टैग है। इस वीडियो को मैं और अच्छा से बनाऊंगा, फिलहाल स्टार्टिंग ही, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो क्वेश्चन टैग, टेल टैग, अपेंडिड टैग जो दिया गया है या डिजक्टिव टैग, तो इस पर ही क्वेश्चन बनता है आगे चल के कंपटीशन में कि सिमिलर मीनिंग ऑफ क्वेश्चन टैग, मतलब क्वेश्चन टैग का सिमिलर मीनिंग क्या है। तो चार ऑप्शन दिया है, पहला टेल टैग दिया है, दूसरा क्वेश्चन टैग दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, सी में क्वेश्चन वर्ड दिया है, और डी में ऑल ऑफ दिस दिया है। तो ऊपर लिखा गया है कि क्वेश्चन टैग का सिमिलर मीनिंग टेल टैग होगा, इसीलिए टेल टैग होगा ना कि क्वेश्चन मार्क होगा। अब क्वेश्चन टैग का डिफिनीशन क्या होता है, इसको मैंने लिखा है नीचे। तो लिखा है कि किसी सेंटेंस के अंत में पूछे गए प्रश्न को क्वेश्चन टैग कहा जाता है। मान लीजिए कोई सेंटेंस, जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा है वह एक स्टूडेंट है, तो ये सेंटेंस है। नीचे ट्रांसलेशन लिखा गया है कि ही इज अ स्टूडेंट। लेकिन अगर इसी का क्वेश्चन टैग अगर देखा जाए तो लिखेंगे वह एक स्टूडेंट है न, तो उसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा ही इज अ स्टूडेंट इजंट ही, मतलब वह एक स्टूडेंट है न। तो देखिए, अभी किसी सेंटेंस के अंत में पूछे गए क्वेश्चन को क्वेश्चन टैग कहा जाता है। जैसे अभी मैंने लिखा यहाँ ही इज अ स्टूडेंट, तो इसका क्वेश्चन टैग हो गया ही इज अ स्टूडेंट इजंट ही, वह एक विद्यार्थी है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है यू आर अ क्रिकेट प्लेयर, तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा आरंट यू, हो जाएगा आरंट यू, क्योंकि आर है यहाँ, तो उसी में आर लिख के नॉट लिख देंगे, आरंट यू हो जाएगा। अब बिहार बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएगा ये देखना है। जैसे मान लीजिए आ गया सी इज माई फ्रेंड, यहाँ दे दिया ये, और उसके बाद लिखता है क्वेश्चन टैग, तो एक ए में लिखा है इज सी, दो में लिखा है इजंट सी, सी में लिखा है आपका इज सी, क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ लिखा है आपका इजंट सी। जाहिर सी बात है ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क है, तो ये और ये होगा नहीं, और इज सी होगा नहीं, क्योंकि यह सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग हो जाएगा हिजंट सी, यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए नोट लिखा गया है, नोट में लिखे हैं कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा, यहाँ क्यू टी का मतलब हो गया क्वेश्चन टैग। परंतु यदि सेंटेंस जो है नेगेटिव में हो तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में होता है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस यहाँ अफर्मेटिव में है, ही इज पुअर, तो लिखेंगे इजंट ही, माने इज में नॉट लगाएंगे शॉर्ट फॉर्म, तो ये आपका क्या हो गया इजंट ही। लेकिन अगर क्वेश्चन टैग यहाँ निगेटिव में रहेगा, जैसे मान लीजिए ही इज नॉट पुअर, वह गरीब नहीं है, तो सिर्फ इसमें इज ही लिखेंगे। ये नोट नंबर आपका फर्स्ट है, ठीक है ना, याद रखना। अब नोट नंबर सेकेंड क्या कहता है, यहाँ लिखा गया है जैसे आई के लिए जो है निगेटिव क्वेश्चन टैग आरंट आई होता है, अमाउंट आई नहीं होता, याद रखना है। बहुत सारे लोग अगर सेंटेंस समझते होंगे कि जिस तरह से ही के साथ इजंट ही लगता है, तो आई के साथ अमाउंट आई ले, नहीं ऐसा नहीं होता है। आई के लिए क्वेश्चन टैग जो होता है आरंट आई होता है, इस रूल को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आ जाएगा कि आई एम अ टीचर, आ गया आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो यहाँ आ गया क्वेश्चन टैग एम आई, दूसरा क्वेश्चन आ गया अमाउंट आई, सी में आ गया आर आई, और डी में आ गया अरंट आई। तो यहाँ एम आई नहीं होगा, अमाउंट आई भी नहीं होगा, यहाँ नहीं हो सकता है, आर आई भी नहीं होगा, जब होगा तो ये होगा, ठीक है ना, अरंट आई होगा, इस बात को याद रखना है। अब पूरा क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्वेश्चन टैग
अफर्मेटिव से निगेटिव होता है, निगेटिव से अफर्मेटिव होता है। मतलब कि अगर कोई पूछता है कि आर यू अ टीचर, तो उसका नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन है। सेंटेंस जब अफर्मेटिव होगा या निगेटिव होगा तभी होगा। डब्ल्यू एच वर्ड्स का नहीं होता है और इंट्रोगेटिव का नहीं होता। अब मैं टाइम का बता देता हूँ, उसके बाद आगे टेंस का बताऊँगा, उसके बाद 10 स्पेशल रूल बताऊँगा आपका, आपको मैं बताऊँगा स्पेशल रूल। जैसे मान लीजिए प्रजेंट टाइम के लिए, तो प्रजेंट टाइम्स में इज आर एम लगता है, तो मान लीजिए आ गया ही इज एन आर्टिस्ट, तो इजंट ही हो जाएगा। मान लीजिए यू आर नॉट अ लायर, अब झूठा नहीं है, तो आर यू क्वेश्चन टैग हो जाए, क्योंकि ऊपर सेंटेंस अफर्मेटिव था तो क्वेश्चन टैग निगेटिव हो गया था, लेकिन नीचे सेंटेंस यहाँ निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग यहाँ अफर्मेटिव हो गया। इस बात को ध्यान दें, तो इज आर एम आ गया तो प्रेजेंट टाइम में हो गया। अब उसी तरह से पास्ट टाइम में हो गया, जैसे दे वेयर क्रिकेट प्लेयर्स, तो यहाँ हम लिखेंगे वरंट दे, वेरंट दे, हो गया ना। जैसे मान लीजिए आ गया ही वाज अ प्यून, वह एक आदेशपाल था, तो वजंट ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वजंट ही, क्योंकि यह सेंटेंस अफर्मेटिव है। जैसे मान लीजिए आगे यहाँ आपका वी वी आर नॉट दिज ऑनेस्ट, हम लोग बेईमान नहीं थे, हम लोग बेईमान नहीं थे, तब यहाँ अगर सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव हो जाएगा। अब उसी तरह से यहाँ आ गया सी वाज नॉट कुक, वह खाना बनाने वाली नहीं थी, कुक नहीं थी, तो इसमें नॉट हो गया, तो इसीलिए क्वेश्चन टैग यहाँ क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं ना, यहाँ क्वेश्चन टैग आपका अफर्मेटिव हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अब प्रजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, सॉरी टाइम, प्रजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। तो अब हम फ्यूचर टाइम में जब चलेंगे तब यहाँ देखेंगे कि सी विल बी अ नर्स, वह एक नर्स होगी, ठीक है ना। तो बी जरूर रहता है, सी विल बी, अगर टेंस रहता था सिर्फ रहता सी विल, कोई मेन वर्ब रहता है, यहाँ नर्स के जगह पर कोई मेन वर्ब रहता, तो सी विल बी अ नर्स। तब यहाँ क्वेश्चन टैग परीक्षा में आ जाएगा विल सी, वोंट सी बी, या आ जाएगा विल नॉट सी बी, या डी में ऑप्शन आ जाएगा विल सी बी। इस बात को ध्यान रखना है, तो यहाँ विल सी नहीं हो सकता है, वोंट सी बी होगा, क्योंकि विल का शॉर्ट फॉर्म वोंट होता है, ठीक है ना। एक बात और याद रखना है कि क्वेश्चन टैग हमेशा शॉर्ट फॉर्म में रहेगा, कभी विल नॉट नहीं हो सकता है, वॉन्ट ही होगा, सॉन्ट होगा, इजंट होगा, आरंट होगा, लेकिन इज नॉट, आरंट के जगह पर आर नॉट या विल नॉट या सैल नॉट नहीं हो सकता है। जब होगा तो शॉर्ट फॉर्म को ही क्वेश्चन टैग कहा जाता है। तो सी विल बी अ नर्स, तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा वॉन्ट सी बी, याद रखना ये वॉन्ट सी बी होगा। उस तरह से है आई सैल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा चाहे होऊंगा, तो सॉन्ट आई बी क्वेश्चन टैग होगा, ठीक है ना। चूँकि यहाँ क्वेश्चन टैग हम क्वेश्चन मार्क किसने लगा रहे हैं सेंटेंस में, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं दिया रहता परीक्षा में भी ध्यान रखना है, कभी कभी आप भूल जाते हैं, जब यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया रहता है यहाँ भी दिया रहेगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है ही विल नॉट बी योर टीचर, वह टीचर नहीं होगा, तो लिखेंगे विल ही बी, समझ गया ना, क्योंकि यह सेंटेंस नेगेटिव है। जैसे यहाँ लिखा है ही विल बी अ टीचर, जब यहाँ नॉट था तो लिखा था विल ही बी, लेकिन जब यहाँ अगर नॉट नहीं रहेगा तो लिखेंगे वॉन्ट ही बी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ लिखा है आ, अब यहाँ चलते ऑन, हैज, हैव एंड हैड, वो था आपका प्रजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। अब हैज हैव पर देखेंगे, आगे टेंस देखेंगे, उसके बाद स्पेशल रूल देखेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है आई हैव अ रेड पेन, तो हैवेंट आई लिख देंगे। जैसे यहाँ लिखा है सी हैज अ कार, तो लिखेंगे हैजेंट सी। लेकिन अगर इस तरह का सेंटेंस आ गया कि वी हैड अ हॉर्स, जब इसमें नॉट नहीं लगाया तो यहाँ लिखेंगे हैडेंट वी, इसमें हैडेंट वी लिखेंगे। और मान लीजिए आगे लिखा जाएगा सी हैड नॉट टू बुक्स, सी हैड नॉट टू बुक्स,
लिखता है हैड सी लिखें, जब इसमें नॉट नहीं लगा, इसमें नॉट लगा रहेगा तो इसमें नॉट नहीं रहेगा, और जब इसमें नॉट नहीं रहेगा तो इसमें नॉट, इसमें नहीं है इसलिए यहाँ है, इसमें है तो इसलिए यहाँ नहीं है। तो क्वेश्चन टैग आप बहुत बढ़िया समझ गए, ये आपका क्वेश्चन टैग रहा। इसके बाद हम टेंस का क्वेश्चन टैग बताएंगे और उसके बाद पूरा स्पेशल रूल बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।